अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कराची किंग्स की तरफ से कौन नुमाइंदगी करेगा, कौन कैप्टन होगा कराची किंग्स का पीएसएल 2020 में। और सातवीं टीम भी पाकिस्तान जो है पीएसएल में 2020 में ऐड हो रही है, और कराची लाहौर का भी काफी खतरनाक कैप्टन है। दोनों वीडियो आपको एंड पर मिल जाएंगी। अभी आज की वीडियो में बात करेंगे कराची किंग्स का कैप्टन कौन होगा, नए कैप्टन का नाम ऐलान कर दिया है, सो आज खुश हो जाएंगे आप कैप्टन का नाम सुनकर। तो इस वीडियो को पूरा देखें, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी क्रिकेट के रिलेटेड कोई भी वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल पे सर्च करके मोजी टीवी सर्च करके आप आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स के रिलेटेड हर जो खबर होगी वो हम आपको शेयर करते हैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे जैसे पीएसएल का वक्त करीब आता जा रहा है तो न्यूज भी बड़ी स्पीड से आती जा रही है कि इस टीम का ये कैप्टन होगा, इस टीम में ये होगा, इस टीम में वो होगा। मतलब कि काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि सातवीं टीम ऐड होगी, ये होगा फलाना ईटीसी। ठीक है, तो आज जो एक खबर आई है कि कराची किंग्स का कैप्टन जो है चेंज कर दिया गया और नया कैप्टन का नाम है बाबर आजम। मुझे पता है कि आप अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहे होंगे, आपका बस नहीं कर रहा कि आप अभी क्या घर गुजरे हैं, तो आप इतने खुश होंगे बाबर आजम का नाम सुन के, और मैं भी खुश हुआ था इतना ही। बाबर आजम होंगे नए कैप्टन और सेकंड कैप्टन होंगे इमाद वसीम। अब बाबर आजम कब तक कैप्टनसी करेंगे कराची किंग्स की, तो वो साथ में यही बताया गया कि कराची किंग्स जो है टीम वो देखेगी स्टार्ट के मैचेस में बाबर आजम को, कि बाबर आजम अच्छी कैप्टनसी करते हैं तो फिर पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम ही कैप्टन होंगे। अगर बाबर आजम की कैप्टनसी में कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएगी, टीम अच्छी कोई ना हुई, कि मैचेस ना जीती, तो फिर बाबर आजम को हटाकर इमाद वसीम को जो है कैप्टन बनाया जाएगा, और सेकंड कैप्टन जो होंगे वो बाबर आजम ही होंगे, या फिर मोहम्मद आमिर के भी चांसेस बन सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब पीएसएल स्टार्ट होता है तो बाबर आजम कैसी कैप्टनसी करते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम अच्छी कैप्टनसी कर पाएंगे, और आप खुश हैं कि कितने एक्साइटेड हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी हम जल्दी से जल्दी देखें। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपने भी लाजमी बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं बाबर आजम की कैप्टनसी देखने में, कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।